नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव सुप्रीम उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज फिर से मैं वीडियो ऑन डिमांड लेकर आया हूं। LCD LED का एक बहुत परेशान करने वाला फॉल्ट, साउंड प्रॉब्लम। किसी LED में अगर साउंड चली जाती है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है, स्पीकर ख़राब होने पर होती है, स्पीकर का कोई वायर ओपन हो जाए, ट्रैक ओपन हो जाए तो भी हो जाती है, या साउंड वाली IC ख़राब हो जाए तो भी हो जाती है। तो हम कैसे इसको ढूंढें, कैसे पता करें कि ये कहाँ से है फॉल्ट, और अगर जहाँ से भी है तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो आज आपको सारा सॉल्यूशन बताऊँगा, साउंड कैसे ठीक की जाती है LED के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये मदरबोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने मदरबोर्ड ले लिया। इस मदरबोर्ड में ये साउंड के पॉइंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ साउंड वाला जैक कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि साउंड की IC आखिर कौन सी होती है। कुछ भाई हमारे जो नहीं पहचानते हो, मैं उन्हें बताऊँ कि साउंड वाला जैक जहाँ स्पीकर कनेक्ट होते हैं, आप मीटर को बजर रेंज में कीजिए और इन पॉइंटों पर टच कीजिए मीटर की एक प्रोब, किसी भी एक पॉइंट पर, और दूसरी प्रोब को टच करते जाइए आसपास जो IC लगी है उस पर, जहां बजर बोल जाए वही स्पीकर की IC है। तो हमने ये ढूंढ लिया कि स्पीकर के पॉइंट ये और ये है स्पीकर की IC। अब ये कैसे कंफर्म करें कि फॉल्ट कहां से, तो आज आपको एक इतनी सरल टेक्निक बताऊंगा। इस टेक्निक को आपने फॉलो कर लिया तो साउंड का फॉल्ट आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, ये स्पीकर के पॉइंट, इसमें चार पिने हैं, दो लेफ्ट स्पीकर की, दो राइट स्पीकर की। तो इन पर हमें मीटर टच करके केवल मल्टीमीटर से हम देख सकते हैं कि कहाँ फॉल्ट, और आगे जब फॉल्ट हम ढूंढ लेंगे कहाँ है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो देखते रहिए। तो कैसे हम ढूंढें, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। अब मैं बड़ी स्क्रीन पर चलता हूँ, LED स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कैसे इस फॉल्ट को समझेंगे हम। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मदरबोर्ड में ये चार पॉइंट स्पीकर के हैं, यहाँ जैक लगता है और ये है साउंड की IC। तो इन चार पॉइंटों पर हमें रीडिंग चेक करनी होती है, इन पर जो रीडिंग आएगी उसके आधार पर हमें खराबी का पता लगता है। तो IC खराब है या IC से निकलने वाले ट्रैक, जो चार ट्रैक इन पर जाते हैं, ये ट्रैक खराब है, इनमें से क्या खराब है हमें ये चेक करना होता है। तो मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ कैसे हम इसको चेक करेंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, हमें मल्टीमीटर को डायोड मोड पर करना है। आजकल मीटर में डायोड मोड और बजर मोड एक जगह आता है, आप कोई सा भी मीटर यूज कर सकते हैं। तो डायोड मोड पर करना है मीटर को, और डायोड मोड पर करने के बाद रेड प्रोब को, लाल वाली पिन को हमें ग्राउंड पर टच करना है। जहां भी ग्राउंड हो, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो हमें ग्राउंड पर टच करना है, और ब्लैक प्रोब को टच करना है इन चारों पॉइंटों पर बारी बारी से। तो इन चारों पॉइंट पर हमें टच करने से मीटर की स्क्रीन पर रीडिंग प्राप्त होगी, तो जो रीडिंग आएगी उसके आधार पर हमें खराबी का अंदाजा लग जाएगा। अब रीडिंग कुछ भी आ सकती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो मान लीजिए हमने एक पिन को ग्राउंड से लगाया और दूसरे पिन को टच किया इस पर, और इस पर रीडिंग आई 500। इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा कि मीटर की स्क्रीन पर 500 रीडिंग आई पहले पॉइंट पर, तो दूसरे पर भी 500 ही आनी चाहिए। इस पर 500, दूसरे पर भी 500, यानी ये लिंक हमारी एकदम सही है। और फिर तीसरे पर देखेंगे, तीसरे पर भी 500 और चौथे पर भी 500, इसका मतलब ये ट्रैक सही है और IC भी सही है। अगर ये रीडिंग थोड़ी सी कम ज्यादा प्राप्त होती है हमें, पहले पॉइंट पर 500 और दूसरे पॉइंट पर 300 या 600 अलग अलग रीडिंग आती है, तो इसका मतलब IC खराब है।
आईसी से ये फॉल्ट है, रीडिंग रीडिंग कम ज्यादा आना तो आईसी का प्रॉब्लम, और रीडिंग बराबर आना तो आईसी सही, और किसी एक पॉइंट पर अगर रीडिंग नहीं आती, मान लीजिए इन चारों पॉइंटों पर 500-500 रीडिंग आती है, तो ट्रैक भी सही है, आईसी भी सही है, और अगर एक पर 500 और दूसरे पर 300 आती है तो आईसी खराब है, कम ज्यादा रीडिंग यानी आईसी खराब, और किसी एक पॉइंट पर रीडिंग है और दूसरे पॉइंट पर रीडिंग नहीं है, मान लीजिए इस पर 500 है और इस पर कोई रीडिंग नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का ट्रैक ओपन है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है, तो हमें वो ट्रैक ढूंढना होगा। अब ट्रैक हमें ढूंढने के बाद में उसको क्लियर कर देंगे, फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आया कि आईसी खराब होने का सॉल्यूशन क्या है, ट्रैक ओपन होने का सॉल्यूशन क्या है। अब अगर आईसी खराब है और आईसी हमें मिल नहीं पा रही है तो हम उसका क्या सॉल्यूशन करें, तो उसका एक और सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमें अगर आवाज चली जाए तो क्या जुगाड़ करना है किसी भी एलईडी में। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, देखिए ये हमने ले लिया एक मदरबोर्ड, ये एक मदरबोर्ड का पिक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये एक एलईडी का मदरबोर्ड है, इसका हम बैक साइड से भी ले लेते हैं। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, सारे कनेक्शन मैं आपको करना दिखाऊंगा कैसे किए जाते हैं कनेक्शन, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने मदरबोर्ड को आगे और पीछे दोनों तरफ से लगा लिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक साउंड बोर्ड की, साउंड प्लेट। तो साउंड प्लेट को कैसे लगाएं दिखाता हूं। ये लेना है हमें एक साउंड प्लेट, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये मैंने इसको बीच में कर दिया। अब इस साउंड कार्ड के कनेक्शन हमें करने हैं, तो कैसे करने हैं देखिए। इसमें लेफ्ट साइड में देखिए दो पॉइंट दिए हैं, राइट स्पीकर लिखा है इस पर, राइट स्पीकर, और ये है लेफ्ट स्पीकर, ये बीच में प्लस माइनस है, इस पर 12 वोल्ट इन करने हैं हमें, 12 वोल्ट प्लस और 12 वोल्ट माइनस, और यहां है आर, ग्राउंड और एल, यानी राइट और लेफ्ट स्पीकर की इनपुट सप्लाई देनी है हमें। कहां से देनी है, कैसे देनी है देखिए, अब आपको दिखाता हूं। मान लीजिए सबसे पहले हमें इस पर सप्लाई देनी है, तो इस मदरबोर्ड में 12 वोल्ट सप्लाई जहां भी आती है, तो ये देखिए इस पर 12 वोल्ट सप्लाई आएगी इस जैक पर, तो यहां से हमें 12 वोल्ट के दो वायर उठाने हैं और यहां दे देना है। यहां से हमने एक वायर लिया, ये प्लस दे दिया, और दूसरा वायर लेके ये माइनस दे दिया, ये हमारी सप्लाई कंप्लीट, 12 वोल्ट सप्लाई यहां दे दी। अब करने हैं हमें स्पीकर के कनेक्शन, तो इसमें ये जैक है स्पीकर का, तो इस पर से दो लेफ्ट स्पीकर के, दो राइट स्पीकर के, चार वायर उठाने हैं हमें, तो यहां से चार वायर उठाकर एक वायर लिया, यहां दे दिया, दूसरा वायर यहां दे दिया, ये राइट स्पीकर के कनेक्शन हुए। अब हमें करना है लेफ्ट स्पीकर के कनेक्शन, तो लेफ्ट स्पीकर के दो वायर लिए, ये एक वायर इस पर और दूसरा वायर इस पर, तो ये हमारी सप्लाई का कनेक्शन हो गया और स्पीकर का कनेक्शन हो गया। अब बची सबसे मेन चीज इनपुट सप्लाई, इसमें इनपुट सप्लाई कहां से देनी है, तो देखिए ये आर, ग्राउंड और एल तीन वायर है, तो ग्राउंड तो हमारा यहां से मिल गया, तो ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको बैक साइड से सप्लाई देंगे, इस बोर्ड को पलट देते हैं, तो ये आ गया हमारा बोर्ड बैक साइड में, तो यहां से हमें केवल दो वायर जोड़ने होंगे, राइट और लेफ्ट। अब इनको कहां जोड़ा है, अगर इनको हम ऑडियो वीडियो पिन पर दे देते हैं,
ये ऑडियो वाले, ऑडियो वीडियो वाले जैक हैं, दोनों ऑडियो के जैक पर दे देंगे तो केवल ऑडियो वीडियो पिन लगाने से ही आवाज आएगी, और HDMI लगाएंगे तो नहीं आएगी, USB लगाएंगे तो भी नहीं आएगी, और वॉल्यूम से कंट्रोल भी नहीं होगी। तो इसको कंट्रोल भी हो और सारे जैक काम करें तो इसके लिए क्या करें, इसके कनेक्शन हम देंगे ईयरफोन जैक पर, जहां ईयरफोन की पिन लगती है उस जैक पर हमें इनके कनेक्शन करने हैं। तो ईयरफोन जैक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंटों में हम सबसे पहले रेड से, मतलब राइट से, ये एक वायर उठाएंगे और यहाँ टच करके देखेंगे, जिस पॉइंट पर भी आवाज आ गई वहां जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया एक वायर, अब बचा दूसरा वायर, तो दूसरे वायर को जहां से दूसरा वायर टच करने पर आवाज आ जाए वहां दूसरा वायर जोड़ना है। ये देखिए, ये दूसरा वायर आएगा इस पॉइंट पर, यानी कुल मिलाकर हमें ईयरफोन जैक, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूं आपको, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट होते हैं ईयरफोन जैक में। तो एक इस पॉइंट पर देना है और दूसरा वायर इस पॉइंट पर देना है, हो गया काम। ऐसा करने से हमारा रिमोट भी काम करेगा, की भी काम करेंगे, और ऑडियो वीडियो भी काम करेगा, HDMI भी काम करेगा, और USB भी काम करेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जुगाड़, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का जुगाड़ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, सब बखैर।